आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं। सीएम शिवराज आम आदमी से इतनी सहजता से मिलते हैं कि जिसकी भी उनसे मुलाकात होती है वो व्यक्तिगत तौर पर इस मुलाकात को महसूस करता है और उनका मूवी भी होता है। शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज का अलग अंदाज आप देखिए। यहाँ पर सड़क पर जामुन बेच रही महिला के पास पहुंचे मुख्यमंत्री और पूछा कि अम्मा जामुन कैसी थी। सीएम ने महिला से जामुन लिया और उसे चखे और साथ ही साथ महिला का हालचाल जाना। सीएम को अपने सामने देखकर महिला का चेहरा भी खुल उठा। तस्वीर आप देखिए, महिला से बातचीत की और जिस तरह से महिला खुश नजर आई, प्रत्यक्ष होता है कि कितना महसूस करते हैं मुख्यमंत्री आम लोगों को भी, साथ ही साथ उनसे जब मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं उसी सरल अंदाज में रूबरू। जामुन का घर पे है जामुन का घर पे है तोड़ के ला। अम्मा जामुन कैसे हो? ठीक है मामा जी। शहडोल पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री। अपन जामुन खरीदते जी मामा जी। नहीं मामा जी, अपन भी आप खाइए। अम्मा से जामुन खरीद तुमने चाय क्यों फेंक दी? कैसे हो? मामा जी ठीक है। अपन जामुन खरीदते जामुन का घर पे है तोड़ के लाओ। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से प्यार से मुलाकात करते हैं स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री, मामा जी कहकर बच्चे भी उनसे लिपट जाते हैं। साथ ही साथ जो अम्मा यहाँ पर जामुन बेच रही थी उनके चेहरे पर भी खुशी देखे। मुख्यमंत्री खुद उनसे रूबरू हुए, एक आम व्यक्ति की तरह ही पूछते हैं कि जामुन कैसे दिए, जामुनों का स्वाद भी चखा है और इस बारे में भी जानकारी ली कि किस तरह से उनकी गुजर बसर चलती है, यहाँ पर किस तरह से व्यवसाय करती है। लेकिन इसी तरह की तस्वीर अक्सर सामने आती है। आपको हम बताएं कि शहडोल में प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है और यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और शहडोल दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने सड़क पर मजदूरी कर रहे महिलाओं से भी मुलाकात की है। सीएम को देखकर महिलाओं के चेहरे भी खिल उठे। तस्वीरें आप देखिए, पखरिया गांव में मजदूर ने सीएम से मुलाकात की, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम शिवराज ने मजदूर भाइयों से भी मुलाकात की, हालचाल जाना। मजदूरों ने सीएम के साथ फोटो भी खिंचवाई है। सीएम ने मजदूरों से बातचीत कर लाडली बहना योजना के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। ये लाडली बहना का पैसा मैंने भेजा था, मिल गया सबको? मिल गया सबको, मिल गया। सियाने से इनको नहीं मिलता है 60 साल, उसमें पेंशन वाला अलग से करें। जी देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अम्मा और बच्चों से मुलाकात मुख्यमंत्री की, साथ ही साथ मजदूरों से भी मिले, महिलाओं से भी मिले। लाडली बहना योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं ये भी जानने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा चर्चा के लिए। शैलेंद्र, यही सरल अंदाज है जो कि लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है। किस तरह से मामा मामा करते हुए बच्चे लिपट जाते हैं मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री भी उसी उत्साह के साथ जवाब भी देते हैं। देखिए, जब भी सीएम पब्लिक के बीच या जनता में कहीं पर होते हैं तो उनका हमेशा अंदाज निराला होता है और वो हमेशा इसी तरह पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कि आज शहडोल में भी जिस तरह उनका पूरा दिन का दौरा था, तो ना केवल उन्होंने पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा कार्यक्रम का लिया, उसके अलावा उन्होंने सबसे खास जब वो शहडोल में एक जामुन बेचने वाली महिला जो सड़क किनारे जामुन बेच रही थी, अचानक से उसके बीच वो खुद काफिले से उतरे और उन्होंने कहा कि मैं तो आज जामुन खाऊंगा और इस तरह वो सीधे आगे बढ़े और उसी टाइम दो बच्चे भी आए और उनसे मामा करके गले लिपटने लगे और फिर उनके साथ सीएम आगे गए और उन महिला से बात की और उनके जामुन भी खाए। फिर वहाँ से फिर सीएम आगे थोड़ा गए, तब उन्हें कुछ मजदूर जो भरी दोपहरी में वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर कुछ मुरम वगैरह खुद रही थी, तो वहाँ उन महिलाओं के बीच जाकर तो ये भी रहा कि वो सब महिलाएं भी तुरंत सीएम को पहचान गई। उन्होंने क्या कि और उसके बाद उनके लिए बीच बातचीत हुई, महिलाओं के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाए। तो सीएम का ये हमेशा जब भी हम देखते हैं कभी भी कहीं पर भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो सीएम के साथ इस तरह की जो वर्ग है जो सरकार
की योजनाओं से जुड़ा हुआ या महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना है, इन योजनाओं से ये जुड़ी महिलाएं या बच्चे मामा मामा कहकर या शिवराज भैया कहकर इस तरह लगातार कनेक्ट होते हैं, वो उनसे जुड़ते हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए सीएम के पास जाते हैं। तो हमने ये भी देखा हमेशा कि सीएम खुद आगे आकर उनके साथ सेल्फी लेते हैं। उन आज भी जैसे उन मजदूर महिलाओं के साथ सीएम ने सेल्फी ली और उनके साथ बातचीत की, उनसे पूछा कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और हमेशा सीएम का हमेशा ही इस तरह का पब्लिक के बीच अंदाज रहता ही है। निश्चित, और यही कुछ तस्वीरें जो कि कारण भी हैं उनकी लोकप्रियता के। बहुत शुक्रिया आपको चैलेंज जानकारी के लिए।